हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन अंजूज ऑल इन वन क्रिएशन। उम्मीद है हमेशा की तरह आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बैंगलोर टू ऊटी ट्रैवलिंग व्लॉग पार्ट 7, आज ये लास्ट पार्ट है इस जर्नी का। और इस व्लॉग में आज हम कवर करेंगे 9th mile वेन लॉकडाउन शूटिंग पॉइंट, रोज गार्डन, ऊटी एंड लास्ट में कलहट्टी वाटरफॉल्स। तो बने रहे इस व्लॉग में, आगे इसमें और भी मज़ा आने वाला है और ये और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आप लोगों से मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है दोबारा कि आप अगर मेरे वीडियोस देखते हैं तो फुल वॉच करें, इसे भी पूरा देखिएगा, कोई भी वीडियो हो मेरा फुल वॉच करा करें। थैंक यू सो मच। साउथ इंडिया में रोड ट्रिप का अपना अलग ही मज़ा है और पिछले एपिसोड में हमने बैंगलोर टू ऊटी में बांदीपुर, मुदुमलई और पाइन ट्री फॉरेस्ट पॉपिये, और अब ये हमारा आ गया वेन लॉकडाउन नेचर ट्रेल। इसको 9th mile शूटिंग पॉइंट भी कहते हैं। इसको 9th mile शूटिंग पॉइंट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जस्ट लोकेटेड 9 miles अवे फ्रॉम द हार्ट ऑफ ऊटी। पर हेड मिनिमम 10 rupees का टिकट है और इसको लेकर अंदर जाना है। और ये इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है, ये एक लैंडस्केप है और कहते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में इस प्लेस को हंटिंग प्लेस की तरह यूज़ किया जाता था और हम लोगों ने हंटिंग तो बंद कर दी और इसकी खूबसूरती को कैसे यूज़ करना है सो सोचकर बॉलीवुड वालों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया और एक से एक बेहतरीन गानों की शूटिंग यहाँ पर हुई। और आप लोगों को इस प्लेस को देखकर कौन कौन से गाने याद आए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये एक ज़बरदस्त टूरिस्ट अट्रैक्शन है और ऊटी से 15 किलोमीटर दूर है। थोड़ा आगे आगे देखो, The 6th mile Ooty is another popular tourist spot situated 6th mile away from Ooty. This place offers a stunning view of surrounding valleys and tea plantations. Visitors can enjoy a delicious walk amidst the tea gardens, breathing in the fresh mountain air and taking in the panoramic vistas. It is a great place to relax and rejuvenate. और यहाँ पर बहुत सारी फेमस पिक्चरों के गाने शूट हुए हैं, जैसे राजा हिंदुस्तानी, हम आपके हैं कौन, दीवाना, दिल, कुछ कुछ होता है, सो मैनी पिक्चर्स। अब हमारा नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट था गवर्नमेंट रोज गार्डन, जो हम पहुंचने ही वाले थे। गवर्नमेंट रोज गार्डन भारत के तमिलनाडु में ऊटी शहर के विजयनगरम में एल्क हिल की ढलानों पर 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऊटी रोज गार्डन एंट्री फी ₹40 पर पर्सन फॉर एडल्ट्स, ₹20 पर पर्सन फॉर चिल्ड्रन, ₹50 फॉर स्टिल कैमरा, ₹100 फॉर वीडियो कैमरा। ऊटी रोज गार्डन टाइमिंग्स मंडे टू संडे 7:30 AM टू 6:30 PM। द प्राइड ऑफ ऊटी लाइज इन द रोज गार्डन,
विच बिलोंग्स टू एन एलीट क्लब ऑफ 35 रोज गार्डन्स अराउंड द वर्ल्ड विच हैज़ वन द गार्डन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड फ्रॉम साउथ एशिया फ्रॉम द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ रोज सोसाइटीज़। Containing more than 20,000 varieties of roses, the rose garden is one of the most beautiful and well-maintained garden you find in the country, or perhaps the world. The climate of Ooty is ideal for the plants to have a long blooming season. The chilly weather and adequate monsoon makes it possible for the flowers to have a long flowering season. बैठने का तो खतरा है। एक फोटो कितना रोज गार्डन इज थ्रॉन्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट ईयर आफ्टर ईयर, डेफिनेटली वन ऑफ द मस्ट सी प्लेस इन ऊटी। It was initially started to commemorate the centenary flower show at the Botanical Gardens. Maintained by the government of Tamil Nadu, the garden is arranged into 5 carving terraces, carving 4 hectares. The best time to visit the Ooty Rose Garden is between March and June, when the flowers are in full bloom. The flower show is also usually held around the same time in May. Finally, हम ऊटी पहुंच गए और अपने होटल गए जो कि ऊटी के आउटर स्कर्ट्स मिल्कावटी में था। मिल्कावटी 5.9 किलोमीटर की दूरी पर था, जहां पहुंचने में हमें 15 से 20 मिनट लगे थे। We were all very tired and at the same time is turned with the beauty of Ooty. We reach our stay hotel Club Square bed and breakfast and spend the rest of our day at leisure. Reaching high, the cold sets in deep. I see the world so small it seems. Step by step through trials and pain, turns out it's just the same. We miss the sights, love friends behind. हम लोग इवनिंग के टाइम पहुंचे थे और काफी इवनिंग में हमने काफी मौज मस्ती की। Reaching high, the cold sets in deep. I see the world so small.
small it seems. Step by step through trials and pain, turns out it's just the same. The mix, the sights, love, friends behind, the high places, the cold unwinds. Looking back, the path so long, on repeat, I stand alone. High places, golden star, on loneliness, heartache, I yearn. I walk this far to see skies bloom, only to find solitude. Dreams are born still in my heart, chase them down, never depart. Reach the peak, look afar, only the cold fills my heart. High places, cold and stern, loneliness, heartache, I yearn. I walk this far to see skies blue, only to find solitude. Dreams are all still in my heart, chase them down, never depart. Reach the peak, look afar, only the cold fills my heart. High places, cold and stern, loneliness, heartache, I yearn. I walk this far to see skies blue, only to find solitude. The windows chill, the path is steep. So many lost their dreams they keep. High up here, the journey's long. Echoes of dreams, now they're gone. क्योंकि ये नीलगिरीज माउंटेन रेंजेस में आता है तो यहाँ पर स्नोफॉल नहीं होता। ये ऑल्टीट्यूड अगर आप देखेंगे तो अच्छे अच्छे हिल स्टेशंस के बराबर ही ऑल्टीट्यूड है। ऊटी का ओवर 2000 मीटर्स जितना ही जितना कि हमारा नैनीताल और रानीखेत है। हम लोग फुल ऑन मस्ती में, मस्ती के मूड में थे। रात को वेदर थोड़ा मिस्टी सा हो गया था, थोड़ा ठंड बढ़ गई थी, ठंडा हो गया था। रात भर मस्ती करने के बाद, एक साथ बैठकर बातें करने के बाद, मौज मस्ती करने के बाद सुबह मॉर्निंग भी हो गई। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और ये रिज़ॉर्ट भी बहुत सुंदर है। बहुत ही सुंदर था ये रिज़ॉर्ट, बिल्कुल उसके पास, बिल्कुल वाटरफॉल के पास था बिल्कुल। और अब हम लोग वापस जा रहे थे देख के, तो रिज़ॉर्ट के बीच में से ही निकल के जा रहे थे गार्डन वगैरह में से। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर था ये रिज़ॉर्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब हम लोग वापस आ रहे हैं दिल्ली के लिए, अपनी ये जर्नी पूरी करने के बाद, टूर पूरा करने के बाद। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें प्लीज़, कमेंट भी करें छोटा सा। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। और चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल, बाय।
stay tuned for the next video of mine. That's all.